माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, इस तरह से नहीं चलेगा ये, बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में आज वो हुआ जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता, वो भी नीतीश कुमार जैसे अनुभवी मुख्यमंत्री से। जी हाँ, वो स्पीकर से ही भिड़ गए और स्पीकर को ही संविधान पढ़ाने लगे, यहाँ तक कह दिया कि आप ऐसे नहीं चला सकते। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद बताएंगे कि क्या था पूरा मामला। अब एक मिनट, आप अध्यक्ष महोदय, भी आपने कहा है इसके बारे में कि इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए एक बार, जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं, ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं, इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और तीन बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। हुई है नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन आसन की भी बात सुनी जाए, आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी का इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है, अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा ये, बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा, और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है, मैं इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथोराइज किए,
आज हम देखेंगे, लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है, लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, अब इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है संविधान में, जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है, और ये चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम है तो फिर बातचीत करेंगे हम लोग, और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इन्वेस्टिगेशन में, हम सारे मामलों में आज ही हम मीटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा है। जैसा कि आपने नीतीश कुमार को सुना, आग बबूला है, गुस्से में तमतमा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा जो स्पीकर बने हैं उनसे कोई दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत है? क्योंकि कम सदस्यों की संख्या होते हुए भी वो मुख्यमंत्री हैं और ज़्यादा विधायक होते हुए बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। संजय सरावगी बीजेपी के विधायक हैं, लखीसराय में हत्या से संबंधित सवाल पूछे थे, उसके बाद कुर्की जब्ती को लेकर के सवाल पूछे थे, संबंधित मंत्री ने जब इसका जवाब दिया उसे संतुष्ट नहीं हुआ, उसी पे स्पीकर ने कह दिया कि परसों फिर से बताएंगे डिटेल। ये चैम्बर में बैठ करके नीतीश कुमार देख रहे थे, उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें लगा कि स्पीकर कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं और कैसे ऐसे निर्देश दे सकते हैं, बस उन्होंने आओ देखा न ताओ और भिड़ गए स्पीकर से। गुस्सा देखने लायक था, आपने वीडियो में देखा, किसी मुख्यमंत्री की स्पीकर के लिए ऐसी भाषा नहीं हो सकती। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी और जेडीयू में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार पहले से कुछ मुद्दों को लेकर के अंदर से भरे हुए हों और आज उस गुस्से को फटने का बहाना मिल गया, लिहाजा स्पीकर पर ही फट गए। संजय सरावगी जो बीजेपी के विधायक हैं वो बहाना बने। लखीसराय में 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या हुई, फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान हत्या हुई, उसी को लेकर के सवाल जवाब हो रहे थे। उन्हें कानून व्यवस्था पे बीजेपी घेरती रही है और ये भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए नीतीश कुमार को गुस्सा आ रहा है। भाई भी वीरेंद्र हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सठी आ गए हैं। इसके पहले आपको बता दें कि एक बार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पे भी ऐसे ही फट पड़े थे नीतीश कुमार, उसकी भी काफ़ी आलोचना हुई थी कि किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है, ये भाषा शोभा नहीं देती, फिर ये बुढ़ापे का लक्षण है, गुस्सा है, बीपी हाई है या और कोई कारण है, राजनीतिक कारण तो नहीं है? इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।